PMI जो ही कल से हो रहा है ओपन, इस IPO में अप्लाई करना है नहीं करना, लिस्टिंग इन मिलेगा नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के मामले में क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है वो बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में जितना इसका IPO साइज है अप्रॉक्सिमेटली उतना ही ये कर्जे में डूबी हुई है और ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके प्रो और कॉन्स, यहां पे सिर्फ डेथ ही नहीं और भी चीजें हैं, आपको बताने वाला हूं क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या अच्छी बातें हैं इसमें, हमें लिस्टिंग इन मिल सकता नहीं मिल सकता, करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम, फ्यूचर का सिनेरियो और साथ में कई सारे डिटेल। और इसके साथ गाइस जो हमारे SME कैटेगरी के IPOs का अलॉटमेंट है वो भी बताने वाला हूं, साथ में उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि 1 लाख रुपए प्लस का हमें देखने को मिल रहा है SME कैटेगरी के IPOs में ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल रही है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक बहुत ही शानदार पेनिशर का वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, मात्र 3 रुपए का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे देखने को मिल जाएगा, जस्ट EMI IPO रिव्यू के नीचे दूसरे नंबर पे जाके देख लेना, मजा आ जाने वाला है। यहाँ पे ओपन डेट जो है वो 4th को है, यानी कि ये ओपन होगा 4 से, क्लोजिंग है 7th को, अलॉटमेंट इसकी 13 तारीख को पता चलेगी और लिस्टिंग डेट 17 को, यानी कि अभी से जस्ट 12-13 दिन बाद। तो 12-13 दिन बाद मार्केट कंडीशन क्या होगी ये डिपेंडिंग करेगा, साथ में यहाँ पे 4 से लेकर 7 तारीख के बीच में मार्केट कैसा रहेगा ये भी एक रोल प्ले करेगा इसके सब्सक्रिप्शन में। तो गाइस इसके हिसाब से हम सोचेंगे यहां पे फेस वैल्यू 10 रुपए का है, लेकिन प्राइस बैंड जो है बहुत ही जेन्युइन से लग रहा है हमें 59 रुपीस का, सिर्फ 60 रुपए का एक शेयर, इसीलिए मैंने एक वीडियो डिटेल में बना रखी है, हर एक सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, ये जाके वीडियो जरूर देखना अप्लाई करने से पहले, जो डिटेल्स में होंगी होंगी, लेकिन इससे कई ज्यादा बढ़िया कंपैरिजन जो रिसेंट लिस्टिंग हुई है हर्षा इंजीनियरिंग, जिसका लिस्टिंग इन मार्केट की वजह से खत्म होता दिखा, जहां पे हमें 50-60% 80% तक की उम्मीद थी, डबल होने की उम्मीद थी, वहां हमें सिर्फ 35-36% से संतोष करना पड़ा और काफी लोग फंस गए सो अलग, क्योंकि उन्होंने SMT के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, हमने लिस्टिंग भी प्रेडिक्ट करी थी एज इट इज सेम हुई और पुराने जितने भी IPOs में प्रेडिक्ट करी थी सब कुछ, और हमने स्ट्रेटजी भी आपको फर्स्ट डे सेकंड डे और उसके बाद की भी बता दी थी, तो चैनल पे अपलोडेड है आप जाके देख लेना, हर्षा इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। तो यहां पे गाइस वो डिटेल वाली वीडियो देखना, आपको कंपैरिजन है समझ में आ जाएगा अगर जो कुछ यहां पेंडिंग रह गया तो यहां पे गाइस 500 करोड़ का ये करीब IPO है, जो लॉट साइज है वो 254 शेयर मिलने वाले हैं, आपको 14,900 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो अपर प्राइस बैंड है वो 59 का है, यहां पे सस्ता है इसलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो इशू का साइज है 500 करोड़ लगभग उतना ही इसके ऊपर कर्जा है, उतना ही इसके ऊपर डेट है, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर जो पूरा इन्होंने पैसा लगा दिया तो डेट भी खत्म हो गया, पर ये एक IPO किस काम का, और ऐसा ये करने नहीं जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कितना ये पैसा लगाने वाले हैं आपको बताऊंगा। यहां पे गाइस ये IPO में हमें 35% का एलोकेशन रखा गया, हमें मतलब रिटेलर्स को 15% का NIIs को, जिसमें बिग और स्मॉल NIIs दोनों आ जाएंगे, और QIBs के लिए 50% का। तो गाइस आप किसी भी IPO में लगाते हो आपको नहीं मिलता है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है आपको कई सारे मल्टीपल अकाउंट से IPO अप्लाई करना, इसके लिए सबसे बेस्ट है आपके लिए धन। इसमें ना ही कोई आपको चार्जेस देने होते हैं एनुअल AMC के, ना ही अकाउंट ओपनिंग के, ना ही कोई झंझट, सिर्फ 10 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, यानी कि अगर जो आप अभी कर रहे हो तो कल आपको दोपहर के पहले ही अकाउंट ओपन होता हुआ दिख जाएगा। मार्केट हाउस में करोगे तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही आप धन ऐप पे ट्रेड कर सकते हो, 10 मिनट में सबसे फास्ट। और गाइस बहुत सारे इसके फायदे हैं, आप IPOs के साथ साथ मार्केट की ट्रेडिंग में भी बहुत ही शानदार, आपने ट्रेडिंग भी सुना होगा, जब आप ट्रेडिंग करते होगे ट्रेडिंग व्यू का जो प्रो सब्सक्रिप्शन है उससे भी ज्यादा यहां पे बेहतर हमें ये दे रहे हैं। आप यहां पे 10 से ज्यादा इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो चार्ट में, यहां देख सकते हो अनलिमिटेड इंडिकेटर मिलने वाला है और इसके लिए आपको 1200 रुपए प्रो का पे करना पड़ता है, लेकिन अगर जो अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं आपको जो हमें धन ऐप दे रहा है ट्रेडिंग व्यू का, वो करीब 2200-2300 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको 1 महीने का ट्रेडिंग व्यू पे देखने को मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू प्रो प्लस का सब्सक्रिप्शन यहां आपको फ्री में देखने को मिलेगा। AMC चार्जेस है नहीं, खुलवा के छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, IPOs लगाते रहो, कोई ट्रेड करना है तो इससे बेस्ट आपके लिए हो ही नहीं सकता है, पूरे मार्केट में आपके सामने डिटेल है। और आपको अलॉटमेंट अगर जो चाहिए तो देखो दोस्त, जब भी आप किसी भी नए डीमेट अकाउंट से लगाते हो तो अलॉटमेंट के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, और मल्टीपल डीमेट अकाउंट से लगाते हो तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आपको क्लिक करके ओपन कर सकते हो और इसके साथ साथ हमारी तरफ से बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम पे आके पता चल जाने वाला है। और टेलीग्राम पे गाइस आपको इंट्राडे BTST स्विंग ट्रेड, साथ में आपको स्टॉक FNO निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल भी देखने को मिल जाती है, और यहां पे जो हमारे पेड ग्रुप है अगर जो आप धन से अकाउंट ओपन करवाते हो तो उसमें कई सारे डिस्काउंट्स और कई सारे ग्रुप्स फ्री भी देखने को मिल जाएंगे। इसका डिटेल आपको टेलीग्राम पे देने को मिल जाएगा, रात को 10-11 बजे डालता हूं, बिल्कुल जाकर ज्वाइन कर लो, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है धन ऐप
ओपन करवा लो, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा देना ही नहीं है। तो यहां पे गाइस आपको ईएमआई के फाइनेंशियल्स पे ले आया हूं। फाइनेंशियल्स में आपको देखना बस इतना ही है कि इसका जो नेटवर्थ है वो अभी 2022 में 637 करोड़ का है, ठीक है। 500 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है और 40 करोड़ का प्रॉफिट बनाया इन्होंने जून क्वार्टर तक का। तो मान लेता हूं मैं 150 तक का प्रॉफिट बनाएंगी ये, ठीक है। इसके पहले 103 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बनाया था। और यहां पे अगर जब कंपैरिजन करोगे कि इन्होंने अपना डेथ किस तरीके से कम किया, देखो यहां पे 2019 में 377 था, 20 में बढ़ा लिया, फिर 21 में इन्होंने बढ़ा लिया और सर कम किया है करीब 22 करोड़, फिर करीब 40-45 करोड़ का कम किया है। तो अगर जो मैं देखूं कि 40-45 करोड़ कम करेंगी तो यहां पे जो आईपीओ का साइज है उसका सिर्फ 50 करोड़ ये अपना डेथ 475 करोड़ में कम करने वाली है, जो कि बच जाएगा 425 करोड़। अब 425 करोड़ अगर जो ये 50 करोड़ भी डेथ चुकाती हैं, ठीक है, आईपीओ के बाद वाले पैसे का, जो आईपीओ का पैसा आ रही है कंपनी के एक्सपेंशन में और कई सारी चीजों में यूज करेंगे, तो यहां 425 करोड़ डेथ फिर भी रह जाएगा। अगर ये 100 करोड़ भी पे करते हैं हर एक साल तब भी आपको 4 साल लग जाएगा डेथ खत्म होने में इस साल के बाद से। और अगर जो 110 105 120 करोड़ तक करते हैं तब भी 3-4 साल आपको लगना तय है। और कहीं अगर जो इससे कम किया तो 5-6 साल भी डेथ कम नहीं होगा। तो यहां पे ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मानता हूं कि मैं ये कंपनी जो है काफी सस्ते वैल्यूएशन पे लेके आई है, तो गाइस डेथ की वजह से लॉन्ग टर्म में तो यहां पे लगाना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, ये जो है अपने नाम से ही पता चलते इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट, मार्ट मतलब होता है बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का बाजार है। मैंने डिटेल वाली वीडियो में बता रखा, बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वीडियो के एंड और आई बटन में भी देखने को आपको मिल जाएगी। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट मतलब बाजार, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग ब्रांड्स के ये लाके सेल करते हैं और मेनली इनका बिजनेस है साउथ साइड में। मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीएमबी का, तमिलनाडु मर्चेंट बैंक, जो अभी आपको पिटता हुआ दिखा है, क्योंकि वो साउथ साइड में मेन था बाकी जगह पे नहीं। अगर जो बताऊं 4 स्टेट में कह रहे हैं, लेकिन मैंने डिटेल रिव्यू वाले वीडियो में बता रखा है 4 स्टेट में, यूपी के में सिर्फ 2 या 1 ही जगह पे है, दिल्ली में 5-6 जगह पे है, बाकी पूरा का पूरा साउथ पे ही है। तो 4 स्टेट कहां से भाई, देखा जाए तो 2 ही स्टेट हुआ। और अगर जो जनरली देखा जाए तो चलो 3 मान लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी इनका कुछ है, लेकिन यूपी के स्टेट में सब गाजियाबाद मुझे देखने को मिला, एक और कोई छोटी सी जगह थी पर मुझे उसका नाम नहीं पता। तो यहां पे ये एक बैरियर हो जाएगा। साथ में जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे देख रहे हो अभी आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और भी कई सारी छोटे मोटे वेबसाइट्स ओपन हो चुके हैं। साथ में सबसे बड़ा इनका पीयर रिलायंस डिजिटल कितना अग्रेसिव वो काम करता है, उसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा क्रोमा टाटा का कितना अग्रेसिव वो काम करता हुआ दिखता है, और भी कई सारे हैं मार्केट में, लेकिन ये बड़े प्लेयर अगर जो देखा जाए साउथ साइड में नंबर 1 पे आते हैं, पर अगर जो हम देखें इंडियन लेवल पे तो 4th नंबर पे आते हैं। तो 4th नंबर पे भाई देखोगे ना, अगर जो इनका टोटल जो रिवेन्यू मैं 30 करोड़ बोलूं तो 50 करोड़ का रिवेन्यू क्रोमा का है और करीब 1200-1300 करोड़ का रिवेन्यू रिलायंस डिजिटल का है। और रिलायंस डिजिटल नाम सुनकर आपको पता चल चुका होगा कितनी कड़ी टक्कर इनको मिलेगी जब ये साउथ से बाहर निकलेंगे। तो यहां पे टीएमबी की तरह एग्जांपल ले लो आप कि साउथ से बाहर निकलते हैं इनकी पिटाई हो सकती है बहुत ही बुरे तरीके से। साथ में ऑनलाइन मार्केट कितना अग्रेसिव है आप खुद बताओ, आप शॉपिंग करने जाते हो अगर जो कहीं पे भी गैजेट्स की बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपए का सामान लेना है या 1000 रुपए का, आप जाते हो तो 10 बार रिव्यू देखते हो, 10 जगह देखते हो, 10 जगह चेक करते हो, दुकान में जाकर बोलते हो भैया ऑनलाइन तो ये सिर्फ 500 रुपए का है, आप हमें 599 में या 549 में 549 क्यों दे रहे हो, जबकि ऑनलाइन 500 का है या 1000 का है, 1011 रुपए क्यों दे रहे हो मुझे, 11 रुपए फिर भी एडजस्ट कर लोगे, लेकिन यहां पे अगर जो 1100 होगा तो एडजस्ट नहीं करोगे, और 1,50,000 के सामान में 2000-3000 एक्स्ट्रा एडजस्ट नहीं करोगे। अगर जो एडजस्ट करने लायक बात रही तो यहां पे आपको डिस्काउंट ही हैवी देंगे, और डिस्काउंट हैवी देने की क्षमता अभी इनमें लगभग मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज्यादा हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रेवेन्यू से काफी कम देखने को मिल रहा है। मतलब 43-53 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद 103 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ। तो ये सारी नेगेटिव पॉइंट जो है इसको डुबा भी सकता है। दूसरी बात, मार्केट अभी 12-13 बाद लिस्टिंग होगी, अनस्टेबल है, तो यहां पे भाई अगर जो अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ लिस्टिंग के लिए करना है और इसके थर्ड डे पे अप्लाई करना है, सेकंड डे भी मैं नहीं बोलूंगा आपको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहां पे रिस्क फैक्टर जो है वो हमें पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। इसे करंट ग्रे मार्केट की बात हो गई तो 33-34 रुपए तक हमें देने को मिल रहा है, ये आपको और प्रेशर में आता हुआ दिख जाएगा। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हुआ दिख जाऊंगा और आपको रात को एक वीडियो भी जरूर देने की कोशिश करूंगा छोटा सा ही सही। यहां पे गाइस एसएमई कैटेगरी के आईपीओ की बात करें तो कॉनकॉर्ड यहां पे 27 को ओपन हुआ था, 29 को क्लोज हो चुका है, 2000 लॉट साइज है, 53-55 उसका प्राइस बैंड है। इसका जो करंट ग्रे मार्केट में हमें देने को मिल रहा है वो करीब में 55-56 रुपए देने मिल रहा है, मतलब पैसा डबल हो रहा है और करीब 1,10,000 प्लस हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलॉटमेंट डेट की बात करें तो कल है इसका अलॉटमेंट डेट, यहां देख सकते हो 4th अक्टूबर को और 10 को इसकी लिस्टिंग है। बहुत ज्यादा वेट था इस आईपीओ का भी, काफी लोगों ने पैसा लगाया है, आइसोलेशन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ का 26 ओपन हुआ था, 29 क्लोज है, यहां पे अच्छा सब्सक्रिप्शन में होता हुआ दिखा है, जो कि करीब 173 टाइम है। यहां पे एक लॉट में 3000 शेयर आपको मिलने वाले हैं। इसका जो अलॉटमेंट डेट है वो 4 तारीख ही है, यानी कि आपको कल ही पता चलने वाला है। और इससे करंट ग्रे मार्केट की बात हो गई तो यहां पे आपको
3500-3600 रुपये देने को मिल रहा है, जो कि होता है 1,08,000 रुपए। तो यहां पे गाइस 1,08,000 काफी बंपर डिमांड इसमें अभी भी निकलती हुई दिख रही है और आपको लिस्टिंग के टाइम में पता चल जाने वाला है। एसएमई कैटेगरी आईपीओ अभी भी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पे आपको वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं।